वेलकम स्टूडेंट, हम पिछली क्लास में क्लास सिक्स के चैप्टर नंबर वन नोविंग आवर नंबर्स के बारे में पढ़ चुके हैं। ये पार्ट टू है। आज हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम के बारे में। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, हमने नंबर सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट इज़ इंडियन नंबर सिस्टम एंड सेकेंड इज़ इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। ये दोनों ही नंबर सिस्टम में कुछ कॉमन चीज़ें हैं जो यहाँ पर मैंने मेंशन की है। पहला है डिवाइडेड इनटू पीरियड्स एंड प्लेस। ये दोनों ही नंबर सिस्टम पीरियड्स और प्लेस में डिवाइड है और ये दोनों में ही कॉमा का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है। ये दोनों कैसे हैं ये आगे हम डिस्कस करेंगे। तो पहला है इंडियन नंबर सिस्टम। इंडियन नंबर सिस्टम जो हमारे यहाँ यूज़ होता है वो देखना है। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हो, यहाँ पर मैंने पीरियड्स लिखा है और ये प्लेसेस लिखे हैं। यानी कि इंडियन नंबर सिस्टम में जो पीरियड्स हैं वो यूनिट में, थाउजेंड, लाख और करोड़ में डिवाइडेड है। और ये जो पीरियड्स हैं इनमें प्लेसेस आप देख रहे हैं कि सब में डिफरेंट डिफरेंट हैं। तो चलिए देखते हैं। जो यूनिट पीरियड होता है उसमें थ्री प्लेसेस होते हैं, वंस, टेंस एंड हंड्रेड। थाउजेंड पीरियड में टू प्लेसेस होते हैं, थाउजेंड की और टेन थाउजेंड की। लाख पीरियड में टू प्लेसेस हैं, लाख की और टेन लाख की। और करोड़ पीरियड में टू प्लेसेस हैं, करोड़ की और टेन करोड़ की। तो इस तरह से अगर आप इसको देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो इंडियन नंबर सिस्टम है उसमें जो पहला पीरियड यानी जो यूनिट पीरियड है उसमें सिर्फ थ्री प्लेसेस हैं, बाकी अदर्स में टू टू प्लेसेस आपको दिख रहे हैं। तो इन्हीं इसी पैटर्न को फॉलो करके हमें कॉमा का यूज़ करना है इंडियन नंबर सिस्टम में। जैसे कि अगर मान लीजिए हम यहाँ पर कोई डिजिट लेते हैं, हमने यहाँ पर कोई भी डिजिट लिख ली, 4, 6, 8, 7, 3, 2, 9। ठीक है, मान लीजिए हमने यहाँ पर ये कोई भी डिजिट लिख दी। अब इसको इंडियन नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग हमें इसमें कॉमा के पैटर्न को लगाना है। तो देखिए, आपने अभी सीखा कि जो इंडियन नंबर सिस्टम होता है उसमें जो पहला पीरियड होता है उसमें थ्री प्लेसेस होती हैं, उसके बाद टू, उसके बाद टू, उसके बाद टू। तो इसी पैटर्न में हम कॉमास को लगाएंगे। इसका मतलब जो हम कॉमा लगाएंगे इंडियन नंबर सिस्टम में वो कैसे लगाएंगे? पहले थ्री डिजिट्स के बाद आफ्टर टू। और यहाँ पर देखिए, आफ्टर टू है तो यहाँ लगाने की ज़रूरत नहीं। अगर एक डिजिट और होती तो हम यहाँ पर कोई और कॉमा पुट करते। तो ये तो हुआ कॉमा पुट करने का तरीका। अब इसको हम कैसे लिखेंगे? इन वर्ड्स आपने सीखा है तो इसको कैसे लिखेंगे? तो मान लीजिए हम कोई भी डिजिट से यहाँ पर भर लिख देते हैं, जैसे कि लीजिए 4, 0, 6, 6, 0, 1, 4, 3। ये हमने डिजिट यहाँ पर लिख दी। अब देखिए हमें इसे कैसे पढ़ना है। ये जो 4 है ये किसके प्लेस पे है? करोड़ के प्लेस पे। तो हम पढ़ेंगे 4 करोड़। अब ये जो दोनों हैं ये दोनों हमें सब कंबाइंड पढ़ना है। तो यहाँ पर देखिए 10 लाख के प्लेस पे 0 है, यहाँ पर लाख के प्लेस पे 6 है। तो ये तो पढ़ेंगे नहीं, इसी को पढ़ेंगे। तो क्या पढ़ेंगे? 6 लाख। सेम यहाँ पर देखिए कि यहाँ पे 10,000 के प्लेस पे 6 है और 1,000 के प्लेस पे क्या है? 0। तो ये टोटल एक साथ जब पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे? 60,000। और ये क्या हो गया? 143। तो बस इसी तरह से इसको लिखना है। देखिए, फोर करोड़ 6 लाख 60,143। ओके स्टूडेंट, इसी तरह से आप इंडियन नंबर सिस्टम में कॉमा को पुट करके इनको इन वर्ड्स कैसे लिख सकते हैं उसका ये तरीका है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में। इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में भी देखिए पीरियड होता है और प्लेस होता है। यहाँ पे यूनिट पीरियड होता है, वहाँ भी था। सेम यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ भी थाउजेंड है, वहाँ भी थाउजेंड है। वहाँ पर थाउजेंड में दो प्लेसेस थी पर यहाँ पर थाउजेंड में तीन प्लेसेस हैं। थाउजेंड,
10,000 और 100,000। उसके बाद यहाँ पर आ जाता है मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, फिर आता है बिलियन, 10 बिलियन और 100 बिलियन। ठीक है, तो अब दोनों पैटर्न में अगर कंपेयर करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि फर्स्ट जो इसका पीरियड था वो 3 में डिवाइड था, फिर 2, फिर 2, फिर 2, ऐसे ये आगे बढ़ता जा रहा था। बट अगर आप इंटरनेशनल में देखेंगे तो पहला पीरियड 3 है, फिर 3 प्लेस है, फिर 3 प्लेस है और फिर 3 प्लेस है। तो इन दोनों से ये पैटर्न समझ में आ रहा है आपको कि जो इंडियन नंबर सिस्टम है उसमें कॉमा पहले 3 डिजिट के बाद लगता है, फिर 2, 2, 2 करके लगता है। बट जो इंटरनेशनल नंबर है बिकॉज ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्लेसेस, इसमें 3, 3 डिजिट्स के बाद जो है वो कॉमा पुट किए जाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं कि कैसे होगा। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर कोई भी एक डिजिट लिख लेते हैं, ठीक है। अब हमें अगर इसे इंटरनेशनल में लिखना है तो हम कैसे करेंगे, 3 डिजिट के बाद लगाएंगे, फिर 3 डिजिट के बाद लगाएंगे और फिर 3 डिजिट के बाद कॉमा को पुट करेंगे। ओके स्टूडेंट, इसका एग्जांपल हम देख लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर 1 लिखा है, ठीक है। तो ये देखिए, ये लिखा हुआ है 1 बिलियन के प्लेस पे, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 1 बिलियन। अब यहाँ पर देखिए, इसको हमें पूरा एक साथ पढ़ना है, जैसे हम ऊपर पढ़ रहे थे ना ये पूरा एक साथ, उस तरह से हमें ये पूरा का पूरा एक साथ पढ़ना है। तो 106 मिलियन, तो ये हो गया 106 मिलियन। फिर इसी तरह से इसको पढ़ना है 116 क्या है, 1000, 116,000, फिर 203। ओके, तो आपने इस तरह से इंडियन नंबर सिस्टम और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम को इनवर्ट्स कैसे लिखा जाता है और कॉमा कैसे पुट करते हैं आज आपने सीखा। ओके,